Hello student, good morning to all of you. Today we will start the next chapter of class 8 science, that is chapter 7, conservation of plants and animals. In this chapter we are discuss about how we conserve plant and animals. हम किस तरीके से प्लांट और एनिमल्स को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. जनरली इसको ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब प्लांट एंड एनिमल्स, राइट. और बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जो डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, राइट. हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना है. ऑब्वियसली सुना है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी सारे पार्क में गए हैं, एनिमल्स को देखा है उन्होंने, राइट. तो ये जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे कि आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, राइट, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा. सो ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. इसका इन सबको बनाने का, भाई कोई नेशनल पार्क क्यों बनाया जाता है, क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, क्यों बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, इनकी इनके बनाने का क्या पर्पस है. ये सब इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जो प्लांट एंड एनिमल्स है उनको क्या कर सके, कंजर्व कर सके. क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज वी कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स. एनिमल्स ताकि हम क्या कर सके, प्लांट एंड एनिमल्स को क्या करें, कंजर्व कर सके, सेव कर सके. इन्हें कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, प्लांट और एनिमल्स जो है उन्हें उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, राइट. उन्हें सेफली उन्हें बचाना, उन्हें प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है, बिकॉज हमें पता है कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइट. बहुत ज्यादा जो प्लांट है, जो फॉरेस्ट है, उनकी कटिंग की जा रही है, राइट. और आपको पता है कि प्लांट कितने ज्यादा इसेंशियल है, राइट. विदाउट प्लांट हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते कि लाइफ होगी, राइट. और एनिमल्स जैसे कि आपको पता है, जब लगातार हम डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लगातार ट्रीज की कटिंग हो रही है, ट्रीज को कट किया जा रहा है, तो हम क्या करें, जो एनिमल्स हैं उनके जो हैबिटेट हैं, राइट, उनको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. जब एनिमल्स ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में, और जब हम लगातार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इनसे हम क्या कर रहे हैं, उनके जो हैबिटेट है एनिमल्स के, जहाँ पर वो रहते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं. जिसकी वजह से जब उनके हैबिटेट जो है वो खत्म होने लगेंगे तो जो एनिमल्स है वो कैसे रहेंगे, ऑब्वियसली इनके भी नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. और जो बैलेंस है, अगर हमें नेचर का बैलेंस बनाना है तो हमें प्लांट भी चाहिए और एनिमल्स भी चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट है तो हम चल पाएंगे. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है जो ग्रासेस होती है, प्लांट उसको ईट करता है कोई रैट या फिर रैबिट, राइट. हम मान लेते हैं रैट, और रैट को ईट करता है कोई स्नैक, राइट. तो अगर सपोज और स्नैक को हम मान लेते हैं, रेड को ईट करता है फ्रॉग और फ्रॉग को ईट करता है स्नैक, एक चेन बनाते हैं, फूड चेन. ग्रासेस है, ग्रासेस को एज अ फूड यूज करता है रेड, रेड को एज अ फूड यूज करेगा फ्रॉग और फ्रॉग को स्नैक, राइट. तो अगर हम एनिमल्स की इम्पोर्टेंस की बात जाने की, एनिमल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगर हम सारे रेड को खत्म कर दें, इस चेन से सारे रेड को खत्म कर दें, तो क्या होगा, फ्रॉग को खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली सारे फ्रॉग अपने आप खत्म होने लगेंगे, राइट. क्योंकि
क्या हो जाएगा भाई, उनके लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से हर एनिमल्स का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जो टाइगर्स है उसको ख़त्म कर देंगे तो नेचर का बैलेंस सेम रहेगा, ऐसा नहीं, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर आप सारे टाइगर को ख़त्म कर देंगे तो जिसे टाइगर एज अ फूड यूज़ करता है, जैसे कि बहुत सारे बफेलो हैं, राइट, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको टाइगर क्या करता है, एज अ फूड यूज़ करता है, तो उनके जो नंबर है वो इंक्रीज करने लगेंगी, क्योंकि उसको खाने के लिए टाइगर का नहीं रहेंगे, राइट। तो इसलिए प्लांट और एनिमल्स को बचाना, प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, उन्हें सेफ करना ज़रूरी है। और इसको सेफ कहाँ पर किया जाता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको बना करके प्लांट एंड एनिमल्स को वहाँ पर सेफली रखा जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं कि उन्हें पिंजरे में कैद किया जाता है, नहीं, यहाँ पर नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उनके हैबिटेट अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी फूड, उनकी हर चीज़ की, उनकी जो हर रिक्वायरमेंट है वो सारी इन जगहों पर पूरी हो जाती है, और जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेफली प्रोटेक्ट रहते हैं यहाँ पर, राइट। तो इस चैप्टर में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो डिफॉरेस्टेशन है ना, इसी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करना पड़ता है। तो जान लेते हैं भाई डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्लियरिंग ऑफ ट्री फॉर ह्यूमन बेनिफिट, राइट। ट्रीज को कट करना या कटिंग ऑफ ट्रीज एट ए लार्ज स्केल, और कह सकते हैं क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन बेनिफिट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन बेनिफिट, राइट। क्या करना, बहुत ही लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट की कटिंग करना ह्यूमन बेनिफिट के लिए, राइट। तो उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है कि बहुत सारी वैरायटी है प्लांट एंड एनिमल्स की जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। लेकिन टुडे की अगर हम बात करें तो एक मेजर थ्रेड बन चुका है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या किया जाता है, पूरे पूरे फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, जिससे कि नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ प्लांट है अर्थ पर, वो क्या हो रहे हैं, लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइट, जो ट्रीज को कट किया जा रहा है, इसके जो पर्पज है वो है कुछ मैन मेड है और कुछ नेचुरल पर्पज की वजह से क्या हो रहा है, लगातार जो ट्रीज है उसके नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि नेचुरल की अगर हम पहले बात करें कि नेचुरल में की वजह से डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, तो अगर नेचुरल की हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल में आपका आता है कि फॉरेस्ट फायर, अगर पूरे पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाए तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होगा, राइट। और इसके अलावा ड्रॉट की वजह से भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, ये दो नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन कुछ मैन मेड है, कुछ क्या है, मैन अपनी ह्यूमंस अपनी बेनिफिट के लिए क्या करता है, फॉरेस्ट को कट करता है, फॉरेस्ट को क्लियर करता है, जैसे कि फॉर मेकिंग फर्नीचर, मेकिंग बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, राइट, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये सारे जो पर्पज है वो मैन के लिए, मैन अपने फायदे के लिए क्या करता है, फॉरेस्ट को कट करता है। जैसे अगर हमें कोई फैक्ट्री बनानी है तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को, पूरे पूरे फॉरेस्ट को खत्म करके वहां पर एक फैक्ट्री बना देते हैं, राइट, प्लांट को कट कर देंगे, वहां पर एक बिल्डिंग बना देंगे। तो ये सब क्या है, डिफॉरेस्टेशन की रीजंस है, इन्हीं सब की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। ऑब्वियसली हमें क्या है, ऊड चाहिए एज अ फ्यूल, तो हम क्या करेंगे, प्लांट को कट करेंगे, इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। ये तो मैन मेड में आती है, लेकिन दो नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जो कि नेचुरल है, जैसे कि आपका है फॉरेस्ट फायर, राइट, और ड्रॉट। ये दो ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं जिसकी वजह से नेचुरली डिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियली जो मैन करता है, राइट, वो है या तो वो कल्टीवेशन के लिए करे, या फिर ऊड ऊड के लिए
लिए करे या फिर मेकिंग हाउसेस, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इन सब के लिए वो ट्रीज को क्या करता है, कट करता है. मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन बेनिफिट. ह्यूमन बेनिफिट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आप लिख सकते हो राइट. तो ये डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है राइट, इसका क्या रिजल्ट है? मतलब अगर हम ट्रीज को लगातार कॉन्टिन्यूसली कट करते रहे राइट, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या अफेक्ट पड़ेगा अर्थ पर, क्या अफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन पर, क्या अफेक्ट पड़ेगा आपकी जो सॉइल है उस पर, इन सब पर बहुत बुरा अफेक्ट पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंस की बात करें हम, ये तो हमारा था डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के पर्पस, अगर हम उसके कॉन्सिक्वेंस की बात करें राइट, कि जो डिफॉरेस्टेशन है, जो कटिंग डाउन ऑफ ट्री एट ए लार्ज स्केल है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो यू नो दैट कि प्लांट क्या है, प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड. सबसे पहले प्लांट क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है. हाउ प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, यूज करके क्या करता है, फूड का प्रिपरेशन करता है सन की लाइट में राइट. तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं राइट, मतलब कि इसको लगातार कट करते रहें, प्लांट का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं राइट, और क्या बनाते हैं, फूड. तो अगर हम प्लांट को कंटिन्यूअसली कट करते रहें राइट, तो जो CO2 है इसे कौन एब्जॉर्ब करेगा भाई, CO2 आपको पता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 क्या होती है, रिलीज होती है. हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इनहेल करते हैं राइट. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जो प्लांट है वो यूज करता है किसके लिए, फॉर मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस. लेकिन अगर हम लगातार डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो क्या होगा, जो CO2 का यूज है, CO2 को जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो जो नंबर ऑफ CO2 है, उनका जो नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर है एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी एटमॉस्फेयर में, उसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लांट क्या हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिक्रीज हो रहे हैं. और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करेगा, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हीट ट्रैपिंग गैस है. वो क्या करती है, हीट ट्रैपिंग गैस, यानी हीट को पकड़ने वाली गैस है, ट्रैप करने वाली गैस है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे कि एक फिगर के थ्रू हम समझाते हैं, ये आपकी अर्थ है राइट, और यहाँ पर आपके होंगे प्लांट, यहाँ पर आपका होगा सन राइट. तो अब क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. प्रेजेंट टाइम की बात करें तो नंबर ऑफ प्लांट जो है, नंबर ऑफ ट्रीज है, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं राइट. और यहाँ पर एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन्स हैं बहुत सारे राइट. तो ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 रिलीज करते हैं राइट. ये CO2 कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में. अब इसी एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, और सन की लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और फूड का प्रिपरेशन करते हैं. तो जब हम प्लांट को ही खत्म करेंगे, प्लांट को ही काट डालेंगे, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ CO2 है एटमॉस्फेयर में, वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में बन जाएंगे. और वी नो दैट कि CO2 क्या है, हीट ट्रैपिंग गैस है, हीट एब्जॉर्बिंग गैस है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है. तो जब CO2 का नंबर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, वो बढ़ेगा, और क्या काज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग राइट. और जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो जो आपके पोलर ग्लेशियर हैं राइट, वो सब क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और जो कोस्टल एरिया, जो नदी के किनारे वाले एरिया, कोस्टल एरियाज हैं, वो सब वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे, यानी सब फ्लड के कारण क्या होगा, सब पानी में, पानी के अंदर चले जाएंगे, सबराइज हो जाएंगे राइट. तो सबसे पहला रीजन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में सबसे पहला होगा, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. हाउ,
डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. तो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. सेकेंड क्या है, पहला तो ये हो गया कि इससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी. अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलर जो ग्लेशियर है, जो बहुत आपके पोलर पर नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जो आइस है, जो वाटर आइस के फॉर्म में ग्लेशियर है, वो सब क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है. तो इट कॉजेज फ्लड. इसके अलावा जब टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी. राइट, वाटर साइकिल जो है, जो आपने पढ़ी हुई है क्लास 7th में, वाटर साइकिल जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो इट रिड्यूस रेनफॉल, जिससे क्या हो जाएगी, जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो रेनफॉल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. जो क्या काज करेगा, इट रिड्यूस रेनफॉल एंड काजेज ड्रॉट. क्या काज करेगा, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा. राइट, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप प्लांट को कट करेंगे तो. नंबर ऑफ CO2 का, यानी नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और आपकी जो ग्लेशियर है, पोलर ग्लेशियर है, वो मेल्ट हो जाएंगे, जिससे फ्लड आ सकती है. इसके अलावा जब टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो रेनफॉल को रिड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रॉट भी आ सकती है. राइट, इसके अलावा क्या हो सकता है, और इट कॉजेज सॉइल इरोजन. इट कॉजेज सॉइल इरोजन, आपको पता है सॉइल इरोजन क्या हो सकता है. राइट, सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, सॉइल की जो टॉप लेयर है वहां पर क्या होता है, रिच ह्यूमस होती है. रिच, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है. राइट, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वहां पर यानी एकदम ऊपर की लेयर, उसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमस होते हैं और वो क्या होती है, फर्टाइल लेयर होती है. क्या होती है, फर्टाइल लेयर होती है. लेकिन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्लांट की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाएगी. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर. क्या होगा, प्लांट की डिफिशियंसी की वजह से, प्लांट की कमी की वजह से, जैसे कि अगर हम बात करें, ये है प्लांट की टॉप लेयर. राइट, जहां पर जो क्या है, फर्टाइल होती है, जिसमें ह्यूमस होते हैं. राइट, ह्यूमस मतलब जैसे कि अर्थवर्म, बहुत सारे अर्थवर्म होंगे जो प्लांट को क्या करें, जो सॉइल को क्या करेंगे, फर्टाइल बनाएंगे. और ये इसके नीचे की हार्ड लेयर होती है सॉइल की. तो जब आप लगातार प्लांट की कटिंग करेंगे तो ये जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और नीचे की लोअर की जो हार्ड एंड रॉकी लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी. वो कहाँ पर एक्सपोज होगी. राइट, तो इससे और यहाँ पर क्या होता है, लेस ह्यूमस होता है, ये फर्टाइल नहीं होती, ये लेस फर्टाइल होती है. राइट, और जेनरली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इंटू डेजर्ट. जब ये लेयर खत्म हो जाएगी तो जो नीचे की रॉकी लेयर है, हार्ड रॉकी एंड लेस फर्टाइल जो लेयर है, जहां पर कोई भी ह्यूमस नहीं होता, वो एक्सपोज हो जाएगी. तो जो वहां की जमीन है, राइट, वो क्या हो जाएगी, डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इट कॉजेज डिजर्टिफिकेशन. इट कॉजेज डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल गेट, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड एक्सपोज ऑफ रॉकी हार्ड लेयर. राइट, इस कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन, मतलब टॉप लेयर का रिमूवल और नीचे की जो हार्ड लेयर है उसका जो एक्सपोज होना, वो क्या काज करता है, डिजर्टिफिकेशन काज करता है. डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये रॉकी हार्ड लेयर एक्सपोज हो जाएगी. राइट, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है. डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, इट काजेज, इट डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, देखिए
सॉइल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ने की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक ट्रे लीजिए राइट, और दो ट्रे लीजिए, और दोनों में क्या कीजिए, सॉइल को फिल कर दीजिए, और उसमें क्या कीजिए, मस्टर्ड के जो मस्टर्ड ग्रेन होता है, मस्टर्ड सीड, सब जानते ही होंगे मस्टर्ड का सीड सबके पास होगा राइट, उसको क्या कीजिए इसमें शोन कर दीजिए, लगा दीजिए, और एक ट्रे में मस्टर्ड का सीड लगा दीजिए और एक ट्रे को वैसे ही रहने दीजिए, और इसको इस तरीके से स्लोप बनाइए, ढाल बनाइए, ट्रे को इस तरीके से रखिए राइट, इस तरीके से स्लोप बना करके रखिए, और इसमें ऊपर से पानी डालिए, तो आप देखेंगे ना जो जिसमें आपने सरसों लगाई हुई, मस्टर्ड लगाया हुआ है, उसमें क्या होगा, जो मिट्टी है वो नहीं जाएगी नीचे, वो नहीं बहेगी, बल्कि क्या होगा, उसमें जो मिट्टी है वो वाटर के साथ, वाटर उसमें ज्यादा नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, सॉइल वाटर होल्डिंग, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, तो जो वो मस्टर्ड का प्लांट है वो क्या करेगा, उस सॉइल की में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को पकड़ने की जो पावर है उसको इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा बहेगा नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे ट्रे की बात करें जिसमें आपने कोई सीड, कोई मस्टर्ड वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ उसमें सॉइल है, तो आप देखेंगे कि जब पानी डालेंगे आप तो उसके साथ सॉइल भी नीचे जाएगी, पानी भी बहेगा और सॉइल भी उसी के साथ बह जाएगी, फ्लो हो जाएगी। तो प्लांट क्या करते हैं, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब हम प्लांट को कट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, लगातार प्लांट को कट करेंगे, तो वो क्या करेगा, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा, सॉइल वाटर को बाइंड नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, फ्लड, बाढ़ आ सकती है राइट, क्या होगा, फ्लड की कंडीशन आ जाए राइट। इसके अलावा सॉइल में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं राइट, जो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है, वो सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट क्या करता है, सबको बाइंड करके रखता है, सॉइल की बाइंडिंग करता है, और जब प्लांट ही कम है तो क्या होगा, सॉइल कि वाटर पकड़ने की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे फ्लड आ सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, बहुत ही खतरनाक रिजल्ट आने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन से। सबसे पहले तो इट काजेज ग्लोबल वार्मिंग, मतलब आपके एटमोसफियर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। आप सोच सकते हैं जब टेम्परेचर राइज होगा तो ड्रॉट भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकती है। ड्रॉट कैसे होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, जिससे ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी। लेकिन जब वाटर एक हद से ज्यादा जब टेम्परेचर राइज करेगा तो जो पोलर ग्लेशियर है वो सब मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जितने भी नदी के किनारे वाले एरियाज हैं या पूरी की पूरी जो अर्थ है वो भी वाटर में एकदम डूब जाएगी, मतलब समराइज हो जाएगी। इतने आपको पता है अर्थ पर नियर अबाउट 71% वाटर है, और ये वाटर जो है वो सब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इसमें आधे से ज्यादा जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में पहाड़ों पर, रॉक पर या पोलर पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर है। तो जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये जो आइस के फॉर्म में वाटर है वो मेल्ट हो जाएंगे और फ्लड हो जाएगा। इसके अलावा सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन क्या काज करता है, सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, डिजर्टिफिकेशन, वो टॉप लेयर जो जो रिच फर्टाइल होती है, जो जिस जो फर्टाइल लेयर है उसको क्या करता है, हटा देता है, और जो नीचे की खराब हार्ड लेयर है, जो रॉकी लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो जो एरिया है अच्छा वाला सॉइल का, जो कल्टिवेशन के लिए एरिया है, वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है राइट। अब जानते हैं कि डिजर्ट में क्या कुछ भी आप शोन कर सकते हो, कोई प्लांट जल्दी ग्रो करता है नहीं, सिवाय कैक्टस के। इसके अलावा ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करती है, जिससे सॉइल क्या हो सकती है, वाटर वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, पकड़ नहीं पाती, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको नहीं पकड़ पाती, जिसकी वजह से फ्लड आ सकती है और प्लांट। तो इतने सारे कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन से, और डिफॉरेस्टेशन को मतलब फॉरेस्ट की कटिंग करनी ही नहीं चाहिए। प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विदाउट प्लांट हम अपनी लाइफ को नहीं सोच सकते, हमारी लाइफ खत्म, अगर प्लांट खत्म तो हम भी खत्म, क्योंकि प्लांट सिर्फ हमें फ्रूट्स या हमें फूड ही नहीं देते, बल्कि
जो नेचर का बैलेंस है उसका, उसके मेंटेनेंस के लिए भी प्लांट इसेंशियल है। अब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो आप रिस्पायरेशन करोगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। प्लांट नहीं रहेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन कैसे मिलती है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से फूड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी हो जाती है, फूड का प्रिपरेशन भी होता है, और इसके साथ साथ हमारी जो ब्रीदिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन है, वो रिलीज होती है। राइट, तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है अर्थ के लिए, लाइफ के लिए। और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम प्लांट और एनिमल्स को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, उनको उनके जो खत्म होने का खतरा है, राइट, जो डेंजर की स्टेज में पहुंच चुके जो एनिमल्स हैं, जिन जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, उन सबको क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि वो हमारे अर्थ पर रहे, हमें खत्म, अर्थ से खत्म ना हो। इसीलिए बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, आपने बहुत सारी जगहों पर गए भी होंगे, कितने लोगों ने सुना भी होगा, कितने लोग वहाँ पर गए भी होंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। उससे पहले ये इम्पोर्टेंट था कि आप जान लीजिए कि ये सब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्योंकि यही एक रीज़न है प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करने का, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आज के लिए सिर्फ डिफॉरेस्टेशन।